पाजी आइए, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां एक बार। जब वीरू पाजी मैदान पे खेलने के लिए उतरते हैं, दोनों टीम जो होती हैं, अपनी टीम और विरोधी टीम, दोनों टेंशन में रहते हैं। विरोधी टीम को यह होता है कि ये टिक ना जाए, अपनी टीम को यह होता है आउट ना हो जाए, तो इनकी बड़ी अहमियत है टीम में। सो इतने दो महान खिलाड़ी हमारे पास हैं। सो मैं, मेरे से गुस्ताखी होगी बाजी, और किससे पूछना पड़े, आज चाय पानी तो पूछना बनता। राजू, राजू जी साहब जी, क्या आप राजू राजू चिल्ला रहे हो साहब जी? आज आपने कुछ नहीं बोलना है। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। हाँ जी, आप बोलिए क्या करना है। इतने बड़े बड़े लोग आए, चाय पानी लेके आ जाके। साहब जी 70 एपिसोड हो चले, आज तो मजाक करना बंद कर दीजिए। आप क्या लेकर आना फ्रिज में से, मुझे ये बताइए। आप लेके आ फ्रिज में, जाकर देख पड़ा क्या हुआ है। पजामा तय करके रखा है, वो लेकर आऊं? खैर सारी बातें बाद में। वरिंदर जी, सुनील जी, आप ना मुझे ना क्रिकेट में रख लें। तू क्या करेगा क्रिकेट में? मैं ओपनिंग। अबे खेलने के लिए को रन वन बनाने होते, तेरे को पता भी है कुछ? हाँ तो आउट होने वाला भी तो कुछ चाहिए कि नहीं? ये रन बना लेंगे, मैं आउट हो जाऊंगा। वैसे रन भी मैं बना सकता हूँ। खाना तेरे से बनता नहीं, जब खाना बनाने को मुंह बना के निकल जाता है, रन कैसे बनाएगा तू? अच्छा सहवाग जी, मुझे एक बात बताइए आप, बिना बल्ले के आपको बोला जाए सेंचुरी बनानी, बना लोगे आप? जी नहीं, बस इधर वही काम हो रहा है, बिना आटे के आते फुल्का बनाओ। खाली कढ़ाई दे देते पाजी, खाली कढ़ाई दे देते मुझे, कहते इसमें से हलवा बनाओ। अब खाली कढ़ाई में आप कड़छी ऐसे ऐसे करोगे तो क्या बनेगा? एक बात बताओ जी सर, ये जो कर रहा था हमारे मराठी में, उसके क्या, उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? तुझे नाना चिट्टांग। नाना चिट्टांग, बस ये नाना चिट्टांग ले ले। सहवाग जी सारी बातें बाद में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप मैदान में जाते हैं आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ होता है? ऐसा पूछ क्यों रहे हो? नहीं, आप सारा गुस्सा बॉल पर निकालते ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो मेरा काम है। अच्छा हाँ, वो काम है, काम तेरे जैसे काम चोर नहीं है, तेरे को कोई भी काम बोलो करता नहीं कुछ तू। आपको इनके बारे में नहीं पता, आपको पता है किसी भी चीयर लीडर को बुक करने जाओ सबसे पहले यही पूछती है, सहवाग तो नहीं है मैच में कहीं? मैंने कहा हाँ है तो बोलो। हूँ, हमने चौके छक्के पर नाच करना है, पूरा दिन डांस प्रोग्राम थोड़ी दिखाना है। अच्छा सहवाग जी, सच्ची में ना मेरे को ना कोई आप एक्स्ट्रा प्लेयर रख लें। इसको पता नहीं है एक्स्ट्रा प्लेयर को कितना काम करना पड़ता है, तेरे को पता नहीं है? अच्छा मुश्किल, इजी जॉब नहीं होती वो। पाजी मेरे को 2 साल हो चले हैं, लकड़ी की बकरी से मैं दूध निकाल रहा हूं, इससे भी टफ है ये काम। बकवास ना कर, अभी पोल मत खोल, जाके जा कुछ बना ले जा। कुछ नहीं बनाना, अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं बनाऊंगा। क्यों? मेरे को एक और नौकरी की ऑफर है। कौन सी नौकरी की? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जा रहा हूं मैं, ये लो पकड़ो प्लेट अपनी। मिलते हैं, ओके। ऐसे ही मुंह लगा हुआ है नथिंग। सर आजकल मैंने देखा है, आजकल क्या क्रिकेट का हमारे देश में क्या कह लो या पूरे वर्ल्ड में कह लो, इतना क्रेज रहा है कि लड़कियां मतलब क्रिकेटर्स के लिए पागल हैं, आप तो जानते ही हैं। तो कैसे जानते हैं? है नहीं मतलब पता ही होता है सर, आदमी को पता ही होता है कौन कौन देख रहा है, ये तो अंदर वैसे ही हेलमेट पहनी हो तो ये तो हेलमेट भी नहीं पहनते, तो खुली आंखों से देखते थे। तो इसीलिए ये भी एक कारण था हेलमेट नहीं पहनने का। अच्छा आज पता चला। क्योंकि क्या होता है हेलमेट में वो सारे ग्रिल होते हैं, वो ग्रिल लड़की आधी दिखती थी, बिल्कुल ठीक दिखती नहीं थी, बस ऊपर का ही दिखता था। मतलब तो ये सर फिर उस समय आपको भी तो लड़कियां कहती होगी हाय सनी है, मतलब जो भी, तो मतलब फिर क्या कुछ कोई किस्सा सुनाइए ना अपना भी सर। कुछ तो पाजी देखिए, आजकल मीडिया इतना हो गया है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर हर चीज को मिल जाता है। उस समय अगर आजकल जो क्रिकेटर्स हैं जो खेल रहे हैं, वीरू पाजी हो गए, विराट हो गए, धोनी हो गए, तो इनके साथ भी तो ये सब कुछ होता होगा, वो अलग बात, हम तक पहुंची नहीं रिपोर्ट। सर कोई किस्सा बताइए ना। नहीं हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारी जो खेलने की स्टाइल थी टुक्कू टुक्कू, तो अब सारी लड़कियां सो जाती थी।
एक्साइटमेंट कहाँ हुआ करती थी, कुछ बिल्कुल नहीं, बस इनके खेल से। कहने का मतलब कि आप जो है वो बिल उनके नाम पे भी फाड़ रहे हैं कि अब मैं छोड़ दूं तो सहवाग पकड़े जाए। कपिल भट्ट, इनका डिफेंस भी तो अच्छा है ना, खुद को डिफेंस कर रहे हैं अच्छी तरह से। मतलब ऐसा कोई किस्सा हुआ नहीं? बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। वेरी नाइस। मैंने आज तक सुना था सनी सर इतने अच्छे बैट्समैन है, इतना अच्छा झूठ बोल लेते हैं, आज पहली बार। वीरूपा जी, आपके साथ कोई ऐसा किस्सा हुआ? हालांकि मैंने जब भी आपको पिच पे खेलते देखा है, आप बड़े गंभीर मुद्रा में होते हैं, सिर्फ आपका ध्यान होता है कि सामने बॉल के ऊपर, और फिर इधर होता है कि बॉल गई कहां, खुद ढूंढते हैं मार के। पर आपके साथ ऐसा कोई किस्सा हुआ हो, कोई ऐसी क्रेजी फैन मिली हो जो मतलब जिससे आपको भी डर लगा हो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? चेपी हो गई हो, चेपी हो गई हो, जो चेपी हो गई हो। हाँ, ये सवाल मैंने आपसे पूछना है। तो उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं वो निकाल के आप भी तैयार कर लीजिए। नहीं, ऐसे बहुत फैन मिलते हैं जो आपको ये कहते हैं कि मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ या सबसे बड़ी फैन हूँ, लेकिन वो सिर्फ उस टाइम तक रहते हैं ड्रामा, जब तक आप उनके सामने हो। जब आप चले जाते हो तो फिर वो आपको फॉलो नहीं करते, आपको आगे मिलते नहीं, अनटिल आप इंटरेस्ट दिखाओ उनमें। तो इसीलिए मैंने 23 साल की उम्र में शादी कर ली कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, और हर टूर पर अपनी वाइफ को लेके जाते थे और खुशी खुशी खेलते थे। तो बाकी सब चीज़ें, इसलिए मैं फेमस था कि मैं दूध बहुत पीता हूँ, मैं कहीं पार्टी नहीं करता, आज भी कहीं पार्टियों में ज़्यादा जाता नहीं और टाइम पे सो जाता हूँ। तो अभी सिद्धू भाई जी मुझे पूछ रहे थे आप ये शो देखते होंगे, मैंने कहा जिस दिन नींद नहीं आती उस दिन तो कोई और चारा भी नहीं। जी, जब आप ग्राउंड में होते हैं, मैंने देखा सर इतना मतलब शोर शराबा होता है, आदमी वैसे ही प्रेशर आ जाता है। अबे इसको कोई कभी जिंदगी में प्रेशर नहीं हुआ, प्रेशर तो बॉलर पे हुआ है। इसको शोएब अख्तर पाकिस्तान में जब इसने 300 बनाया ना, वो इसको बाउंसर मारे और उसको पता था ये हुक नहीं मारता, तो बाउंसर मारे कान के पास से सीटी बजाती हुई गेंद निकल गई। उसने ओए, इसका नाम नजफगढ़ का कसाई, कसाई की तरह ही मारता है ना, ताड़ 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 ताड़, ओए नजफगढ़ के कसाई हुक मारना, तो ये कुछ नहीं बोला। उसने अगली मारी, यहां लगी, बे ओए हुक मारना। जब तीसरी बाउंसर मारी ना, उसने कहा ओए हुक मारना, तो ये प्यार से उसके पास गया, कहता भाई साहब आप बोलिंग कर रहे हो कि भीख मांग रहे हो? आपको एक सीक्रेट बताऊं इनका? जी प्लीज प्लीज। शायद इनको भी पता नहीं होगा, शायद इनको बताया होगा कि वो 1983 में उन्होंने डेब्यू किया, उसके बाद में 4 साल तक उनको लिया नहीं गया। क्यों? क्यों? रन तो बन रहे थे, रणजी ट्रॉफी में रन बन रहे थे, दुलीप ट्रॉफी में रन बन रहे थे, पर जब वो इंडिया के लिए पहली बार खेले 1983 में जी, तो उस वक्त तो रूम शेयरिंग हुआ करती थी, मतलब दो खिलाड़ी रूम शेयर करते थे, तो उनके साथ जो रूममेट था उन्होंने बताया कि 5 दिन तक उन्होंने कपड़े कभी बदले नहीं। अब मत देखिए, अब तो एक एपिसोड में दो दो ड्रेस बदलते हैं, अब तो बात अलग ही है। अच्छा हाँ, पर ये जो हुआ कि इन्होंने ये सबक सीखा उसके बाद में कि भाई ये ठीक नहीं कि 5 दिन वही कपड़े पहनो। उन्होंने बताया कि नहीं, मैं मानता हूं कि ये लकी शर्ट है मेरे लिए और ये लकी ट्राउजर है इसलिए। अरे पर 5 दिन तो सिलेक्टर्स को पता चला। तो सर टेस्ट मैच भी तो 5 दिन का होता था, क्या पता टाइम ना लगाओ, तो उसके लिए क्या 5 शर्ट नहीं हो सकते आपके पास? तो इसीलिए उनको ड्रॉप किया गया, 4 साल तक इनको ड्रॉप किया गया। उसके बाद में जब आए तो देखो ठाक ठोक। पाजी पता क्या हो रहा है, देखिए आज मुझे ना पहली बार ऐसे लग रहा है कि मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, क्योंकि किससे आप लोगों के ज्यादा सुनने मजा आ रहा है। मैं चाहूंगा कि सिद्धू पाजी थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे आ जाइए, ये ऐसा कभी हुआ नहीं, प्लीज आप यहाँ पे आइए, थोड़े और किससे सुनने को दिल कर रहा है। क्योंकि यहाँ आपके दोस्त भी हैं, आप बैठो सर, आप लोग क्या हाल है पुत्र, आप यहाँ पे विराजमान होइए पाजी। तो अब सिद्धू साहब यहाँ पे मौजूद है, सनी पाजी बैठे हुए हैं, वीरू जी, तो ये क्रिकेट की जो अंदर की बातें बाहर की बातें, क्योंकि ऐसे रोचक किस्से जो होते हैं ये बहुत कम मौका मिलता है, आज यहाँ पे 3 लेजेंड्स मौजूद है, तो मैं चाहूंगा कि पाजी आप
ऐसे ही कोई ये टीवी शो कुछ नहीं है ऐसे तो आम बिराज ना तू फिर जाके चाहते नहीं आप मैं यहाँ पे आज मैं रिलैक्स हूँ रिलैक्स तू वहां से अपनी टिप्पणी करते रहना ना ओ ठोको भाई सनी भाई मैं मुझे अभी भी याद है सबसे जबरदस्त किस्सा जो आपने मुझे सुनाया था ना आज मैं चाहता हूं सारी दुनिया सुने वो जावेद मियांदाद वाला जो किस्सा था ना पाकिस्तान में सुनना है ना ठोको तुम देखो सुनो बल्ला बल्ला भैया बल्ला है बल्ला अब बल्ला आ गया बल्ला खटाक यहां सब कुछ हाजिर हो जाता है चेयर गर्ल हाजिर होगी तो बल्ला भी तो हाजिर है लो ये पाकिस्तान की बात है जावेद मियांदाद तू जानता ना जावेद सर पाकिस्तान नहीं है अपने बेंगलोर में हुआ था तो एक बॉलर था इंडियन बॉलर कमबैक कर रहा था ओके बहुत अच्छा बॉलर था बहुत अच्छा बॉलर था पर उसको पहले टूर के लिए ड्रॉप किया गया था स्पिनर और जावेद जानता था कि ये खतरनाक साबित हो सकता उस विकेट पे काफी टर्न हो रहा था बॉल तो जावेद बड़ा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग था मतलब वो बॉलर को नर्वस करने के लिए उसने सोचा भी बोलता था हाँ उसने सोचा कि बॉलर को थोड़ा नर्वस करे तो उसका फायदा होगा उसके टीम का फायदा होगा तो जब वो बॉलिंग करता था बॉलिंग करने आ गया तो उसने बॉलिंग की तो जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहा था तो बैटिंग करता था तो ऐसे जाके खेलता था और बॉलर जब बॉल बॉलर की तरफ जाती थी तो उससे पूछा था ए चले लूम नंबर के लूम नंबर ये हर एक हर दो बॉल के बाद में वो जाए ऐसा करे तेला लूम नंबर लूम नंबर खेलो अच्छा ऐसा क्यों पूछते थे रूम नंबर क्यों पूछते थे रूम नंबर क्यों ऐसे ही ऐसे तेला लूम नंबर क्या तो सैयद किरमानी विकेट कीपर स्टंप के पीछे तो वो भी यहां से सुन रहे थे क्या हो रहा है तो सैयद किरमानी मैं स्लिप में खड़ा था तो सैयद किरमानी पूछते ये क्या हो रहा है वो सैयद किरमानी में कोई चीज एकदम बड़ी चीज थी ये क्या हो रहा है तो मैंने बताया किरी जावेद ने शुरू किया है जावेद ही खत्म करेगा हम थोड़ा इंतजार करेंगे थोड़ा वेट करेंगे ऐसा हो गया और एक ओवर के बाद में हर दो बॉल के बाद में उस जब बॉल वहां पे जाती थी बॉलर के पास ए रो बोलना बोलना